दोस्तों, आपने बचपन से फिल्मों में देखा होगा या कहीं न कहीं तो सुना ही होगा कि पुलिस की सबसे भयंकर जो सजा होती है वो थर्ड डिग्री टॉर्चर होती है, क्योंकि इसमें पुलिस अपराधी को बहुत मारते पीटते हैं, नाखून उखाड़ लेते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं और आंख में मिर्ची डाल देते हैं, एटसेट्रा जैसी और भी बहुत तरह की तकलीफ देते हैं। इसलिए चलिए जानते हैं कि थर्ड डिग्री टॉर्चर क्या है, इसमें अपराधी के साथ पुलिस क्या क्या करता है और कौन से अपराध करने पर आपको थर्ड डिग्री का टॉर्चर दिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अपराधियों या विचाराधीन कैदी के साथ जेल में किसी तरह की मारपीट या शारीरिक टॉर्चर करना पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी पुलिस अपराधियों से सच उगलवाने के लिए चोरी छिपे हल्की मारपीट से लेकर थर्ड डिग्री तक का इस्तेमाल करती है। थर्ड डिग्री का इस्तेमाल अपराधी से जुर्म कबूल करवाने या जवाब देने को मजबूर करने के लिए किया जाता है। बदमाश चाहे कितना शातिर क्यों ना हो, वारदात का राज उगलवाने के लिए पुलिस ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि अच्छे से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इन तरीकों को भले ही आप और हम थर्ड डिग्री का नाम देते हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें स्पेशल नाम दिए हैं, जैसे आन मिलो सजना, पेट्रोल मार, गुल्ली डंडा और हेलीकॉप्टर मार। थर्ड डिग्री टॉर्चर में ये चार टॉर्चर सबसे प्रमुख होते हैं। तो चलिए जानते हैं पुलिस इनका इस्तेमाल अपराधियों पर कैसे करती है। नंबर वन, आन मिलो सजना। थर्ड डिग्री टॉर्चर का ये पहला टॉर्चर होता है। यह स्पेशल हथियार लेदर का एक पट्टा होता है, जिसके एक ओर लिखा होता है आन मिलो सजना और दूसरी ओर अंकित होता है समाज सुधारक। इस स्पेशल हथियार को पुलिस ऐसे अपराधियों पर इस्तेमाल करती है जो आसानी से मुंह नहीं खोलता है, और इसे इस्तेमाल करने का भी पुलिस का अपना तरीका है। सबसे पहले अपराधी को निर्वस्त्र करके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, फिर उसे पीठ के बल लिटाकर उसके ऊपर एक पुलिस वाला बैठ जाता है, फिर लेदर के पट्टे को भिंगोकर धीरे धीरे उसकी पीठ पर मारा जाता है। पुलिस अपनी ओर समाज सुधारक नाम रखती है और आन मिलो सजना का निशान अपराधी के पीठ पर पड़ता है, और दो चार पट्टे पड़ते ही अपराधी तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। नंबर टू, हेलीकॉप्टर मार। यह बिना डंडे का पुलिस का एक स्पेशल टॉर्चर होता है। इसमें सबसे पहले अपराधी को रस्सियों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है। इस दौरान उसे हाथ भी नहीं लगाया जाता है, लेकिन दो से चार घंटे बाद अपराधी के हाथ और सिर का ब्लड सर्कुलेशन नीचे आने लगता है और शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। इस स्थिति में अपराधी ज्यादा देर सहन नहीं कर पाता है और सब कुछ उगल देता है। नंबर थ्री, गुल्ली डंडा। यह टॉर्चर बेहद दर्दनाक होता है। इसमें पुलिस अपराधी को गुल्ली डंडे का आकार देती है, हाथ और पैर बांधकर अपराधी को लंबे और मोटे डंडे के बीच फंसा देता है। इसे ही गुल्ली डंडा कहते हैं। डंडे में पूरी तरह से फिट करने के बाद पुलिस उसकी आंखों पर तेज लाइट का फोकस करती है। तेज लाइट आंखों पर पड़ने के बाद अच्छे से अच्छा सातीर बिना सवालों के जवाब दिए नहीं रह पाता है। नंबर फोर, पेट्रोल मार। सातीर से सातीर अपराधी से सच उगलवाने के लिए पेट्रोल मार पुलिस का सबसे खतरनाक हथियार होता है। इसमें पुलिस सबसे पहले तो अपराधी को पूरा निर्वस्त्र कर देती है, फिर उसके नाजुक अंगों में पेट्रोल डाल देती है। इसका उपयोग कभी कभी खूंखार अपराधियों पर किया जाता है। एक ऐसा भी, इसमें पुलिस अपराधियों को रस्सियों से बांधकर एक डंडे के सहारे लटका देता है, फिर कुछ ही घंटों में अपराधी के लिए खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी थर्ड डिग्री टॉर्चर।
लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस अब आधिकारिक रूप से इन हथकंडों को इस्तेमाल नहीं कर सकती है, लेकिन कई बार खूंखार अपराधियों पर इन्हें छिपते छिपाते प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि पुलिस के ये स्पेशल हथकंडे अभी भी उत्तर भारत के कई थानों में आम बात है। तो दोस्तों, एक आखिरी और लास्ट सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि थर्ड डिग्री टॉर्चर में पुलिस अपराधी के पिछवाड़े और पैर के तलवे पर क्यों लाठीचार्ज करते हैं। तो देखो भाई, थर्ड डिग्री सिर्फ कोर्ट की अनुमति से हो सकता है विशेष परिस्थितियों में, लेकिन पुलिस को तो मारने का मन करता है, इसलिए पुलिस इन जगहों पर मारती है, क्योंकि इन जगह पर मारने से व्यक्ति को दर्द तो बहुत होता है लेकिन जान जाने की खतरा नहीं होता है, इसलिए पिछवाड़ा पर खूब मारती है। तो दोस्तों, यही कारण है पिछवाड़ा पर मारने की, और कुछ नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के नए वीडियोस आपको रोजाना मिलता रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।